के तौर पे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है खगड़िया में और हम धरना प्रदर्शन पर उतरेंगे। कौन जिम्मेदार है इसका? टोटल के टोटल जिम्मेदार है। उद्घाटन वैसे भी उस कभी नहीं हुआ है, अगवानी भी नहीं उद्घाटन हुआ, कैसे वो तो मुख्यमंत्री। पटना, खगड़िया, सहरसा और ऐसे कई जिले जहां पर पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो भागलपुर अगवानी पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। कई ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हैं और यही क्षतिग्रस्त पुल भ्रष्टाचार का पोल भी खोल रहे हैं। फिलहाल मामला दर्ज 31 का है, जहां पर बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर बना पुल बीट जो उसका सड़क है वो पूरी तरह से टूट चुका है और लोगों को कितनी दिक्कतें इस वजह से आ सकती है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरीके से ये पुल जो है वो टूटा है, बीट सड़क जो है पुल का वो टूट चुका है और आपको नीचे का नजारा भी दिख रहा होगा। भ्रष्टाचार का भेद चढ़ता जा रहा है ये पुल, लगातार ऐसे पुलों का निर्माण किया जा रहा है। बार बार जनता को ये कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का पुल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का काम चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के सड़कें बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार सड़कें हो, पुल हो या फिर दूसरी चीज़ों की बात करें, कुछ दिनों में ही वो भ्रष्टाचार की पोल को खोल दे रहा है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कर्मचारी हैं वो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों पर के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। के तौर पे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है खगड़िया में। अब इस मुद्दे को लेकर हम लगातार हम अपने नेताओं और अपने ये संपर्क करके और इसके खिलाफ हम अब PIIL दायर करेंगे और लगातार हम धरना प्रदर्शन पर उतरेंगे। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? सरकार जिम्मेदार हो सकता है, सांसद जिम्मेदार हो सकता है, पदाधिकारी जिम्मेदार हो सकता है, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? कंपनी को जिम्मेदार नहीं मानता है, इंजीनियर को जिम्मेदार नहीं मानता है। बिल्कुल इसमें टोटल के टोटल जिम्मेदार है। क्या लग रहा है शिवराज जी की पुंजलाइट, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुंजलाइट कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था। देखिए किसी भी कंपनी दिया था NHAI के द्वारा पुंजलाइट कंपनी, किसी भी कंपनी को आप ठेके देते हैं मगर उसमें आप निगरानी नहीं करते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। आप कमीशन खोरी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं तो पुल भ्रष्टाचार में चढ़ेगा ही। क्या लग रहा है शिवराज जी की यहाँ पे पुल में जो है कमीशन खोरी? बिल्कुल, अगर पुल में कमीशन खोरी नहीं होता तो यह पुल भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ता। पुल में जो है घटिया मटेरियल कहीं? बिल्कुल घटिया से घटिया मटेरियल का यूज किया गया है खगड़िया में। भ्रष्टाचार क्वालिटी नहीं है, सीमेंट का क्वालिटी नहीं है, छत पतला है। अच्छा, क्वालिटी नहीं है। पुल देखिए तू ये पजाम कितना चमक रहा है। थोड़ा अगवानी पुल ऐसे टूट गया, ये थोड़ा दूर नदी 5 किलोमीटर बढ़ के उस भी पुल है वो टूट गया। ये सब तो लापरवाही होता है ना, देखता है। अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है भाई। उद्घाटन वैसे भी उस भी नहीं हुआ है, अगवानी भी नहीं उद्घाटन हुआ, कैसे वो तो मुख्यमंत्री जी का सपने का पुल था, ये किसका सपने का पुल टूट गया है अभी? इसका सपना रहे इंजीनियर का गलती है इसमें, कौन किस जगह से पुल बनेगा किस तरह बनेगा वो इंजीनियर का गलती है। इंजीनियर का गलती है। ये अच्छा। लोग होता है बहन तो तनी पैसा ले लेता है, घूस दे देता है।